अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाज़रीन इकराम, आज हम शहर मैसूर में वाकिए SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर पर आप पहुंचे हैं, जो उदयगिरी में वाकिए है। यहां पर आप लोगों को इस बात का इल्म है कि पिछले दिनों यानी मंगल के दिन 10 तारीख को SDPI की जानिब से जो वार्ड नंबर 10 है वहां के जो डिस्ट्रिक्ट लीडर हैं जनाब मोहम्मद जहीर साहब ने एक बड़ी बेहतरीन कैंप जो है चलाई थी, जिसमें हेल्थ चेकअप और आई चेकअप कैंप जो है मुनाकिद की गई थी। वहां से चेकअप होने के बाद 200 से जायद जो है चश्मा, जो आंखों को लगाने का चश्मा, आज आली जनाब अब्दुल मजीद साहब के हाथों तकसीम किया गया है। तो आइए जानते हैं, खुसूसन रियासती सदर SDPI अली जनाब अब्दुल मजीद साहब जो है यहाँ पर आप पहुंचे हैं। अली जनाब अब्दुल मजीद साहब और मोहम्मद जहीर साहब जो वार्ड नंबर 10 के जिम्मेदार हैं और डिस्ट्रिक्ट लीडर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं।
मोहम्मद जहीर साहब जो डिस्ट्रिक्ट लीडर है उनकी जानिब से जो है कैंप रखे हैं वहां पर जो है बाकायदा बहुत सारे लोग जो है शामिल हुए आज जाकर उन सब जरूरतमंदों को जो है चश्मा तकसीम किया जा रहा है क्या कहना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप बताए तीन चार दिन पहले जो अब्दुल वाहिद फंक्शन हॉल में एक बेहतरीन हेल्थ जनरल हेल्थ चेकअप और आई टेस्टिंग फ्री आई टेस्टिंग भी रखा गया था। उसके बाद जितने भी आई टेस्टिंग कराए जो प्रिस्क्रिप्शन ग्लास का जो लिखे थे क्योंकि वो उनका पावर का मुताबिक, तो उस दिन ही हमारे जहीर साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर भी हैं और वार्ड नंबर 10 का तमाम साथियों मिलकर ये कैंप ऑर्गेनाइज किया। इसको स्पॉन्सर किए हैं मोहम्मद जहीर साहब, जो भी अल्लाह ताला उनको दिया है उसमें से वो ऐसा ही खिदमात अंजाम दिए हैं। तो आज जितने भी ज़रूरतमंद को जो ग्लास प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स लिखे थे उसको ग्लास को उनका जो पावर का मुताबिक उसको रेडी करके आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इससे पहले भी आपको मालूम है वार्ड नंबर 29 में भी जहीर भाई अलग अलग खिदमात अंजाम दिए हैं। ऐसा ही बहुत सारे हमारे वार्ड में उनका कैपेसिटी का मुताबिक उनका खिदमात जारी है, आइंदा भी हमारा खिदमात जारी रहेगा। वो कोई भी टाइम में हो, कोविड के टाइम में हो, अलग टाइम में हो, जो भी खिदमात हम लोग करते आए हैं आज करीब करीब 200 लोगों को आज फ्री ग्लास डिस्ट्रीब्यूशन आज किए हैं। बस अल्लाह ताला से दुआएं ये खिदमात को कबूल करें और जो भी पेशेंट्स इधर आए हैं अल्लाह उनको बेहतर सेहत दे, बिना ग्लास से उन्होंने देखना है ऐसा अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बस इतना ही मैं दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा अब्दुल वाहिद फंक्शन हॉल के पास मजमा कर बहुत सारे आदमिया को एक अच्छा सेंटर बनाए थे, इसी तरह मैं उनको परेशानी नहीं होना कर हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस SDPI के पास हमें पूरे को बाई कॉल कर कल रात से ही 3:30 बजे इधर आ जाओ जिसके भी हैं और एक आदमी को भी मिस नहीं है जिसे ग्लास में मुहैया कराए वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपेक्टेशन से भी डबल हो गया, फिर भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह करा कर ही पूरे को हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। अल्लाह से उम्मीद है एक छोटी मेरी खिदमत, आप सब दुआ करना, ये नहीं समझा कि मीडिया ये सभी एक सिस्टम है, मगर मेरे दिल में वैसाने हैं ये खिदमत का मौका अल्लाह मुझे दिया है, मेरी ये खुशकस्मती। इंशाल्लाह आपकी दुआ रही तो आने वाले दिनों में और इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भी खिदमत करता हूँ। अल्लाह से मैं वो दुआ करता हूँ, सो आप ये ना समझो कि ऐसा मीडिया में आ रहा करे, एक हमारा सिस्टम के तहत हमें करना है। बाकी का मेरे दिल से बोल रहा हूँ, आप सबकी दुआ मुझे होना आने वाले दिनों में इंशाल्लाह खिदमत और बढ़ चढ़ कर हमारी पार्टी के हिस्से में करने के वास्ते मैं तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जहीर जो चंद दिन पहले कैंप हुई थी जैसा कि मुझे साहब ने बताया एक अलग कामयाब कैंप थी, क्या मेरा समझ नहीं है कि क्या सिर्फ वो वार्ड के लोग थे या आसपास के भी थे? नहीं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या है अब्दुल वाहिद फंक्शनल एक सेंटर बनाए, हमें मशवरा कर हमारे वार्ड प्रेसिडेंट शिराफ साहब हमारी कमेटी मशवरा कर वो सेंटर बना कर हमें अतराफ के जितने भी मस्जिद आई अनाउंस किए, हैंडबिल्स दिए, पर्टिकुलरली वार्ड नंबर 10 कर कोने कोई भी मिस्तक है उन आपको एक कैंप में इन्वॉल्वमेंट दे कर हमें उसे कैंपेन करे। हमें मालूम हुआ कि ये इतना हेल्थ की ज़रूरत है कर हमारे खून को, हमारे भाइयों को, कितने आदमी आए थे, बहुत सारे आदमी आए थे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और इसे बढ़ चढ़ कर हमें करने का एक मकसद है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया।